हूं मनीषा बोंद्रे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही राजनीति चरम पर है। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार को अगले 2 महीनों में सत्ता बेदखल करने की बात कही है। उन्होंने रविवार को यह बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा कि विपक्ष तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक महाराष्ट्र में अगले 2 महीनों में एकनाथ शिंदे की इस महायुति सरकार को सत्ता से हटा नहीं दिया जाता और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर नई सरकार नहीं बन जाती। मुंबई के घाटकोपर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में मराठा साम्राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। शरद पवार ने कहा कि राज्य में सत्ता में बैठे लोगों को शिवाजी महाराज में कोई आस्था नहीं है।